वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं महिलाओं पर कानून क्या है, महिला पुरुष के खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकती है, इस वीडियो में आप जानोगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारा चैनल कानून की आवाज़ सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसे सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, महिला के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कानून है, आप इस वीडियो में जानोगे। लेकिन इस वीडियो को आप जब तक अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आए, कोई भी चीज़ जब तक पूरी क्लियर नहीं होगी या पूरी नहीं देखोगे, जब तक आपके उसके बारे में आप समझ नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। शादीशुदा व्यक्ति, अगर महिला पुरुष शादीशुदा, कोई भी व्यक्ति शादीशुदा होते हुए अगर बिना तलाक दूसरी शादी कर लेता है तो उस पर क्या क्राइम बनता है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती है महिला। अगर दोस्तों, अगर शादीशुदा पुरुष महिला से तथ्य छुपाकर या भागकर या बिना तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी लड़की से शादी रचा लेता है तो महिला उस पर क्या कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, अगर पुरुष ऐसा करता है तो महिला उसके खिलाफ सारी चीज़ें देखने के बाद, जांचने के बाद कि इन्होंने दूसरी शादी की ये नहीं है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेगा। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अगर महिला को ये लगे कि इस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली, तो वो किसी भी संबंधित, जिस संबंधित आपके क्षेत्र में जो थाना पड़ता है उसमें शिकायत कर सकते हैं, या संबंधित जो आपका कोर्ट पड़ता है इसमें 494 का केस फाइल कर सकते हैं। 494 में अगर पुरुष दोषी पाए जाता है, उसमें क्या है, 494 में कोर्ट में फाइल पेश करने के बाद वहाँ सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, एविडेंस देनी पड़ती है कि उस दिन इस व्यक्ति ने इस लड़की से बिना तलाक दूसरी शादी कर ली। ये सारी चीज़ें देख बताने के बाद कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस लेती है, कोर्ट उनके खिलाफ नोटिस जारी करती है। अगर दोस्तों इस प्रकार महिला ने जो शिकायत की है वो सत्य पाई जाती है, तो उस पुरुष के खिलाफ अगर 494 का आरोप साबित होता है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान या जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे कंप्लीट पूरी घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारे एविडेंस होनी चाहिए, उसके बाद ही आप, उसके बाद ही महिला उस पुरुष के खिलाफ 494 का केस कोर्ट द्वारा फाइल कर सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आप कुछ इस प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह जाती है, अगर कोई व्यक्ति पुरुष या महिला 7 साल से अलग रह रहे हैं तो वो व्यक्ति बिना तलाक शादी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई लव मैरिज की है तो वो व्यक्ति बिना तलाक ले हुए शादी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इशू है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप लव मैरिज हो तो तलाक लिए बिना शादी कर सकते हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, ऐसे ही लिव रिलेशन में रह रहे हो, तो आप बिना तलाक लिए शादी कर सकते हो। अगर शादीशुदा होने के बाद हिंदू रीति के अनुसार अगर शादीशुदा हो तो आप बिना तलाक लिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।